सबसे पहले देखिए अनपेड सेलर कौन होता है। हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बेसिक चीज समझ ली कि बायर कौन है, सेलर कौन है, गुड्स क्या है, डिलीवरी क्या है, इतना पढ़ा। अब मुझे इतना समझना है कि सर लॉ सेलर को क्या राइट देता है। तो सेलर के लिए सपोर्ट कर रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेशली उस सेलर के लिए जो अनपेड है। अनपेड सेलर इज वन हु इज बीइंग नॉट पेड, जिसको पैसे नहीं मिले, और सम इंस्ट्रूमेंट हैज बीन गिवन बट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मैच्योर्ड। आपने चेक दिया, बाउंस हो गया, समझ रहे हो? तो एनी इंस्ट्रूमेंट यू हैव गिवन बट दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मैच्योर्ड, दैट ऑल्सो अ अनपेड सेलर, ठीक है ना? और पार्टली पेड, पार्टली नॉट पेड, दैट इज ऑल्सो अनपेड सेलर। मीन्स एनी मीन्स बाय विच मनी इज ड्यू एंड दैट पर्सन इज कैपेबल ऑफ बींग आस्किंग दैट अमाउंट, दैट पर्सन इज अनपेड सेलर। तो नाउ लॉ सेज व्हाट इज द राइट ऑफ अनपेड सेलर, व्हाट इज द राइट गिवन बाय लॉ टू द अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के पास सबसे बड़े राइट है क्या, गुड के अगेंस्ट राइट्स है और पर्सन के अगेंस्ट राइट है। गुड्स के अगेंस्ट राइट है और पर्सन के अगेंस्ट। गुड्स कौन है, जिसको उसने बेचा, और पर्सन कौन है, जिसको बेचा। तो पर्सन के प्रति क्या कर सकते हो आप बताइए, मतलब आप अपने ग्राहक के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हो और गुड्स पे क्या एक्शन ले सकते हो। तो गुड्स पे तो आप लीन कर सकते हो, लीन का मतलब होता है जब्त कर लेना, उसके घर जाके छीन लेना, है ना। स्टॉपेज करवा सकते हो आप, स्टॉपेज मतलब अगर रास्ते में है, डिलीवरी है तो वहीं रुकवा सकते हो आप, अधिकार है आपके पास। रीसेल कर सकते हो आप, मैंने बताया था पोजेशन आपके पास ही है, कुछ पैसा मिला कुछ नहीं दे रहा, दूसरे को सेल कर दो, लॉ बोल रहा है आपको, है ना। स्टॉपेज है, रीसेल है, लीन है। पर्सन के अगेंस्ट क्या राइट है बताओ, स्यू करो डैमेज के लिए, बताओ, है ना। स्यू किसके लिए, बैलेंस अमाउंट के लिए, भाई पैसे दे नहीं तो मैं कोर्ट में जा रहा हूं, समझ रहे हैं आप। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर इज वेरी वास्ट बट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो 5-8-9 राइट देगा वो, बट कैटेगरी सिर्फ दो ही है, एज अगेंस्ट द गुड्स एंड एन अगेंस्ट द बायर, है ना। फिर आप सिस्टम से सोचो कि क्या क्या अधिकारों कर सकता है। अगर सच में उसने गुड्स सोल्ड करी, सच में पैसे नहीं मिले, या इंस्ट्रूमेंट दिया गया इनवैलिड हो गया, टाइम मांग रहा है नहीं मिल रहा, सिंपल सी बात, उसको राइट दिया गया। तो गुड्स अगर नहीं बेची, सॉरी गुड्स अगर दे दी बट पोजेशन पास है अपने पास तो रख लो, गुड्स अगर दे दी रास्ते में है तो राइट है वापस मंगा लो, रुकवा दो। गुड्स उसके पास पहुंच गई तो आपके पास राइट है जाके जब्त कर लो, मतलब गुंडे ले जाओ, ये है राइट। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा, उसने खा ली गुड्स, तो उस पर्सन को पकड़ लो, डैमेज का क्लेम करो, बैलेंस अमाउंट का क्लेम करो, आपके पास राइट, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ना है आपको, हु इज राइट अनपेड सेलर एंड व्हाट आर द राइट। इसमें आप 3 पेज पढ़ने हैं आपको, पढ़ लेना, राइट।